अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने टॉपिक हार्ट का स्टार्ट किया था। जैसे आपने पढ़ा कि हार्ट के फोर चैम्बर होते हैं, अपर टू को एट्रिया बोलते हैं और लोअर टू को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स होते हैं वो एट्रिया से लार्जर होते हैं। उसके अलावा जो ब्लड है हमारा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद वो पम्प करके जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। इनके दरमियान वॉल्व्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा लंग्स में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी लंग्स से, जो हम ब्रीथिंग के ज़रिए कर रहे हैं, तो इनहेल कर रहे हैं, वो लंग्स में जाती है। अब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाएगा। अब लंग्स से जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अब वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में, और वेंट्रिकल से फिर वो पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, हाउ डज आर हार्ट वर्क्स? ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प। इसको डबल पम्प क्यों बोलते हैं? ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द अदर बॉडी पार्ट्स एंटर्स द एट्रिया, द टू एट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड द पुशेस द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स, इट इज़ वन पम्प। वो कह रहे हैं कि जब बॉडी से या लंग से हमारे आ रहा है ब्लड हार्ट के एट्रिया पार्ट में, तो वो पम्प करके उसको वेंट्रिकल में भेज रहा है, तो दोनों जो एट्रिया हैं वो पम्प करेंगे सेम टाइम में। नाउ बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड पम्पिंग द ब्लड टू द लंग्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। अब वो लंग्स से, और एक ने लंग्स की तरफ भेजना है, एक ने बॉडी पार्ट की तरफ भेजना है, तो दोनों भी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसको डबल पम्प कहते हैं। एक पहले पम्प होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वन पम्प, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सेकेंड पम्प होते हैं, तो इसीलिए हार्ट एक्ट एज अ डबल पम्प होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको आ सकता है। इट इज़ अ सेकेंड पम्प। आर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि 70 टाइम्स जो है वो एक मिनट में 70 टाइम्स जो हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है या पम्प करता है। वी कैन फील आर हार्ट बीट पल्स वाइल प्लेसिंग आर फिंगर्स बिलो द बेस ऑफ द थंब ऑन द अंडर साइड ऑफ द विस्ट। आप विस्ट जो हथेली आपकी, आप जैसे नर्व्स चेक करते हैं तो वहाँ पे आप हार्ट बीट को जो है वो महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले हार्ट टॉपिक पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। जैसे हमने पढ़ा था कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। हार्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आप वैसे भी देखते हैं, आपको जो है वो नज़र आ रही होती हैं वेसल्स, लेकिन इन कौन कौन सी टाइप हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं वो हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। वो कह रहे हैं ब्लड वेसल्स हैं वो पाइप हैं या वो लाइंस हैं जिसमें से ब्लड गुजरता है। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। थ्री टाइप्स होती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। हर एक का फंक्शन दूसरे से डिफरेंट होगा, साइज डिफरेंट होगा। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये जो है ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से अवे, मतलब जो ब्लड हम कुछ वेन्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट की तरफ लेके आ रही हैं, और कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं। अब आप देखेंगे कि जो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं, आपने पढ़ा के ऊपर कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाता है वेंट्रिकल से फिर वो बॉडी की तरफ जाता है, तो वो उसमें कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो बॉडी से हार्ट की तरफ लेके आ रही होती हैं उसमें कौन सा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड। तो आपको फर्स्ट लाइन से ही, जब आप अच्छे तरीके से पिछला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये ब्लड जो है वो हार्ट से अवे लेके जा रही हैं, दूर लेके जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आर्टरीज हैव थिक एंड फ्लेक्सीबल वॉल्स। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक और फ्लेक्सीबल होती हैं। फ्लेक्सीबल का मतलब होता है जो स्ट्रिचेबल, मतलब ज़्यादा ड्राई, वो हार्ड नहीं होती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब आपने ऊपर पढ़ा था कि कुछ जो वेन्स हैं जो कि जब हार्ट बॉडी से जो है ब्लड आ गया डी ऑक्सीजनेटेड हार्ट में, वो एट्रिया में गया, एट्रिया के बाद वो वेंट्रिकल में गया राइट साइड पे, तो वो वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ। अब वो भी अवे लेके जा रही हैं हार्ट से, तो वो होंगी वेन्स ही, लेकिन वो वेन्स होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज वो वाहिद वेन्स हैं, आर्टरीज हैं
जिनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि वो ब्लड को कहाँ पे लेके जा रही है, लंग्स की तरफ, वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो ऑक्सीजनेटेड होंगी, ठीक है। तो अब तो इसलिए जो पल्मोनरी आर्टरीज वो वाइड आर्टरीज हैं जिनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर भी आ सकता है। आर्टरीज डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये आगे जो है आर्टरीज डिवाइड होती जाएंगी और कैपिलरीज बन जाएंगी, यहाँ तक आपने पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसको जो है वो अच्छे तरीके से याद करें, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है अगर आप इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो पढ़ें। आगे जो है वो इसी तरह का से लिंक है हर चीज़, और आपको साथ साथ जो है वो उसकी समझ आती रहेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।